एस ऑब्वियसली ये सीजन क्या उम्मीद रखते हो? ऑब्वियसली खास करके पर्सनली आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा बिकॉज यू हैव बीन आउट ऑफ द इंडियन टीम, बट प्रूफ करने का है ये सीजन आपके लिए? मुझे लगता है कि जितना साल खेल चुका हूँ ना मैं, मेरे को अभी किसी को प्रूफ नहीं करना है कि मैं क्या हूँ, क्या बॉलर हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे ही सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी इतने टाइम लॉन्ग टाइम के बाद ही मैं कीप प्लेइंग ऑल द फॉर्मेट जो भी है। भले इंडिया के लिए वाइट बॉल नहीं खेल रहा हूँ बट यानी आईपीएल के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने अच्छा किया और टेस्ट मैच खेल ही रहा हूँ, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बट हाँ ये सीज़न मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर है और मेरी ख्वाहिश है कि अच्छा करूँ और अब इस वर्ल्ड कप की जो टीम बनेगी उसमें अपनी जगह बना सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वर्ल्ड कप लास्ट वर्ल्ड कप, इसके बाद का वर्ल्ड कप का कोई आइडिया नहीं है कि खेलूँगा नहीं खेलूँगा, रहूँगा या नहीं रहूँगा, बट मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप है ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और क्योंकि काफ़ी टाइम से जो सिचुएशन चल रही है, जो भी आ रहा है, ने मैचेस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये आईपीएल के बाद डिसाइड होगा कि कौन क्या रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मैचेस नहीं है वर्ल्ड कप से पहले जो भी है, बट अगर ये आईपीएल में अच्छा करूँगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चांस मिलने के और वर्ल्ड कप टीम में आने का चांस बनता है। ऑब्वियसली बात जब आती है आईसीसी इवेंट्स के, और एक इंपॉर्टेंट मैच है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, और उमेश यादव विल डेफिनेटली बी इन दैट इंडियन 11 इंडियन साइड, तो ऑब्वियसली एक हालांकि एक सेटबैक जरूर है, जसप्रीत बुमराह नहीं रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दामेदार आपके ऊपर रहेगा और लाइक्स ऑफ शमी और सिराज, तो कैसे देखते हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एट द ओवल एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? देखिए इसमें देखना क्या है, जब आपको पता है कि आपने क्वालिफाई किया है और आपने इतना अच्छा क्रिकेट खेला है, क्योंकि आपको पता था कि उसमें से आपको दो मैच जीतने हैं और एक ड्रॉ करना है, सो टीम ने वो करके दिखाया है और आई थिंक एवरी वन प्ले फॉर दैट एंड एवरी वन होल टीम वॉन्ट्स टू बी लाइक क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, टेस्ट चैम्पियनशिप, सो सबने अपनी मेहनत की और सबने पूरी कोशिश की है, तो और जब यहाँ पे पहुँचे हैं, जब वी ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर दैट, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हर कोई चाहेगा कि इस बार जो लास्ट टाइम नहीं हो पाया वो इस बार करके दिखाएं और 100% पूरी कोशिश होगी कि वर्ल्ड ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसे जीते और ट्रॉफी घर लेके आए। सो एज अ मेरे लिए हो गया, जो भी लड़के हैं जिन्होंने इतना हार्डवर्क किया है लास्ट 2-3 ईयर्स ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक कह सकते हैं कि एक तरह से एक ऐसा सिचुएशन है कि ये काइंड ऑफ वर्ल्ड कप ही है टेस्ट का, तो अगर आप जीते हो तो वो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जो जितना भी आपने हार्डवर्क किया है उसका आपको फल मिला है, तो मुझे लगता है कि वी आर रेडी और इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीते। ऑब्वियसली बुमराह का ना रहना ये कितना सेटबैक है? डेफिनेटली अभी क्योंकि बुमराह भी प्राइम बॉलर है इंडिया के, काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने और कंटिन्यूसली करते भी आए हैं, तो अभी एज अ फास्ट बॉलर आप यही कह सकते हैं, हम बस यही कह सकते हैं कि ही विल लाइक फिट एज सुन एज पॉसिबल, और उनके लिए दुआई कर सकते हैं कि अभी की जितने जल्दी वो वापस आ जाएँ फिट होके एंड जस्ट लाइक फास्टर रिकवरी फॉर हिम, एंड कि आप क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, जिस हिसाब से आपको अभी भी लोग मैचेस होते हैं तो यू फील दैट कि अगर बुमराह होता तो साइड सिचुएशन कुछ और होती, जो टेस्ट मैच ही ना हो जैसे वनडे T20 भी हो, सो वो सारी चीज़ें आप जब लगता है कि प्लेयर नहीं होता तो आप मिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर कोई भी वही सोचता है, तो बट वी जस्ट होपफुली कि एज जितने जल्दी हो एज सुन एज पॉसिबल ही विल गेट लाइक रिकवर फ्रॉम हिज इंजरी एंड जस्ट कम बैक टू द ग्राउंड लाइक और टीम को ज्वाइन करें। ऑब्वियसली उमेश आपने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला और आप बहुत लय में दिखे जो टेस्ट सीरीज में, तो बात जब आती है ऑस्ट्रेलिया के, हाउ डू लुक एट ऑस्ट्रेलिया इन इंग्लैंड, क्योंकि कंडीशंस हमारा यहाँ का जैसा नहीं रहेगा, ओवल में इट विल बी सीम एंड स्विम, और खास करके उनका जो मेन बॉलर्स रहेगा फास्ट बॉलर्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द फास्ट बॉलर्स, कमिंस, हेजलवुड सब रहेगा, स्टार्क सब रहेगा, तो हाउ डू लुक फॉरवर्ड टू द चैलेंज? ऑब्वियसली हमारे पास भी वो एक्सपीरियंस बैटर्स है, तो हाउ डू लुक फॉरवर्ड टू द चैलेंज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? Because this is not a challenge for us only. This is a challenge for them only. Because they are not also used to the play in this such a condition like swing and the seaming condition. Because everyone knows that Australian wickets is not like that. Because in the Australia wicket, they have only pace and bounce. So, but England condition and situation for both of us is the same. But we still has some similar thing in the India a little bit because we like usually to play swing. Playing in the swinging condition also, because in the winter you know that there is a
लाइक वेदर एंड द फोरकास्ट इज लाइक दैट सो एंड द विंटर इज लाइक लिटिल बिट कोल्डर हियर सो यू ऑलरेडी प्ले काइंड ऑफ विकेट्स एंड सीमिंग एंड सेम कंडीशन सो मुझे लगता है कि हमारे लिए बेटर होगा और दिस इज़ नॉट फॉर अस लाइक जैसे मैंने आपको मैंने बोला उनके लिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि उनको भी उस सिचुएशन में खेलना है हमें भी उस कंडीशन और सिचुएशन में खेलना है सो जो भी अच्छा करेगा वो विल डू बेटर ऑब्वियसली मेरा अगला सवाल जुड़ा है वेदर के वेदर को लेके ही लास्ट टाइम हम जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला था साउदम्पटन में रेन प्लेड अ ह्यूज पार्ट क्योंकि टॉस न्यूजीलैंड ने जीता था पहले बल्लेबाजी किया था एंड दैट फर्स्ट क्रूशियल आवर वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तो और आप खास करके आप थे नहीं उस टीम में तो इस बार उमेश यादव हम सब उम्मीद करते हैं एंड वी आई एम कॉन्फिडेंट कि आप रहेगा ही रहेगा तो इस बार कैसे देखते हो ये चैलेंज देखिए कभी कभी फैक्टर ज़रूर काम करता है क्योंकि जब रेनिंग या वेदर कोल्ड होता है तो कभी कभी टॉस पे गेम चला जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो टीम बॉलिंग करेगी उसको बेनिफिट होगा सो वो चीज़ आप कह सकते हैं कि वो टैकल नहीं कर सकते वो तो सिचुएशन और उस टाइम पे जुड़ा होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता बट कोशिश यही होगी कि सिचुएशन जो भी हो या बैटिंग हो या बॉलिंग हो और कंडीशन जो भी हो क्योंकि मुझे लगता है वी आर बिलीव इन आवर टीम और जो हिसाब से हमारा बैटिंग है सो मुझे लगता है कि वी आर कैपेबल ऑफ दैट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जो भी होगा और एज अ बॉलिंग यूनिट कि जो हमारे बॉलर है दे ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस नाउ और जिस हिसाब से मेजोरिटी है हमारा सबके पास स्विंग है सीम है और पेस भी है सो 100% वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इस बार ट्रॉफी जीत के ऑब्वियसली उमेश एक अच्छी खबर है आपके लिए और केकेआर के लिए है कि शार्दुल ठाकुर भी इस बार जुड़ चुका है और खास करके भारत अरुण जिनके साथ आपने बहुत देर तक वक्त बिताया ड्यूरिंग द इंडियन टीम कि तो हाउ इट्स काइंड ऑफ अ रियूनियन आप भारत भाई और शार्दुल कैसे दिखते हो ये कैमरेडरी भरत सर तो लास्ट ईयर भी थे साथ में मेरे और डेफिनेटली जिस हिसाब से शार्दुल आए एक अच्छा लाइक स्विंग बॉलर भी आपके पास है जो एक्सपीरियंस बॉलर भी आया है टीम में और वो जो एक ऐसा ऑलराउंडर कहते हैं जो बैटिंग भी कर सकता है सो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है टीम के लिए और जो टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्योंकि आप हमेशा देखते हो कि टीम का जो बैटिंग है थोड़ा सा लॉन्ग रहे तो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसे आती है कि 7-8 डाउन के बाद आपके पास बैट्समैन नहीं होते और कभी 6 बॉल में 10-15 रन चाहिए होते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में अगर एक आपके पास ऑलराउंडर होता है तो वी यू ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि हम जो भी सोच रहे हैं या चेज कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा इजी होगा और शार्दुल हिसाब से बॉलिंग भी कर रहे हैं अभी सो मुझे लगता है इज गुड फॉर द टीम और मुझे लगता है कि ही विल डू गुड फॉर द टीम हाउ डू लुक एट द बैलेंस ऑफ केकेआर बॉलिंग ऑब्वियसली ईडन गार्डन्स में मैचेस होंगे अब क्रिकेट विल बी रिटर्निंग आईपीएल विल बी रिटर्निंग टू ईडन गार्डन क्योंकि ईडन गार्डन्स का विकेट कुछ सालों से पेस बॉलर्स को फेवर कर रहे हैं तो हाउ डू लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग एंड हाउ डू लुक एट द मेकअप ऑफ द बॉलिंग यूनिट डेफिनेटली क्योंकि जिस हिसाब से बॉलिंग है क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कौन कैसा डाल रहा है बिकॉज जब आप मैच खेलोगे दो तीन मैच खेलोगे तो उसके बाद यू सेटल डाउन कि हाँ कौन कैसा डाल रहा है क्या हो रहा है एंड यू गेट अ आइडिया अबाउट दैट सिचुएशन एंड कंडीशन एंड एवरी थिंग कि विकेट भी कैसा खेल रहा है सो उसके बाद जब दो तीन मैच के बाद आप प्रॉपर टीम और उसका थिंक कर सकते हो पहले जो भी प्लेइंग 11 बनेगा डेफिनेटली जो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि जो लास्ट ईयर की थी टीम उसमें ऑलमोस्ट 70% वही होंगी दो तीन चेंजेस ही होंगे तो मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट करता है कि हम जो स्टार्ट करते हैं कैसा स्टार्ट करते हैं आखिरी सवाल श्रेयस का ना रहना इट्स अ काइंड ऑफ अ सेटबैक और नीतीश राणा के बारे में क्या कहेंगे देखिए अब ये एज अ प्लेयर आप कह सकते हैं कि सेटबैक हमेशा ही होता है ये क्योंकि आप इंजरी कभी भी आ सकती है तो कुछ कह नहीं सकते हैं बट वी जस्ट होपिंग कि ही विल गेट वेल सून एंड जस्ट जॉइन द टीम एज सून एज पॉसिबल और नीतीश का देखा जाए तो ही इज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड हु लाइक प्ले फॉर के आर फ्रॉम द लॉन्ग टाइम सो मुझे लगता है कि ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द टीम एंड और जिस हिसाब से उन्होंने डोमेस्टिक में भी उनको आइडिया है और कह सकते हैं कि एक अच्छा यानी अच्छा है क्योंकि जब आप बैट्समैन कोई कैप्टन बनाते हो तो ही हैज़ द आइडिया अबाउट दैट क्योंकि वो इस विकेट पे ज़्यादा खेले भी हैं सो और उनको पता भी है उन्होंने डोमेस्टिक T20 और उसका एक्सपीरियंस भी है तो मुझे लगता है कि बेस्ट चॉइस वही थे और मुझे लगता है कि सही चॉइस की है This is extra time. Extra time.